रामचंद्र के आदि जगत आदि जगत गुरु सिद्धेश्वर महाराज के सिद्ध मल्लिकार्जुन महाराज के सिद्धानेश्वर महाराज के नमस्ते सस्त्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन लिंबी चिंचोली वार्ता के एपिसोड में, एक बेहतरीन न्यूज़ रिपोर्ट में। बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त ज़ोरदार तरीके से आज दिनांक 22 जनवरी 2024 के दिन जो है बराबर दोपहर को 12:30 बजे जो है भारत देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम जो है अयोध्या में संपूर्ण हुआ। और उसी कार्यक्रम को जो है बेहतरीन तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है एक और बार दिवाली मनाई जा रही है। और इस पूरे त्यौहार के बीच में लिंबी चिंचोली गांव भी पीछे नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे लिंबी चिंचोली गांव में भी जो है इस उत्सव को जो है मनाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ये बहुत सारे बेहतरीन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिनको आज हम देखने वाले हैं। परम पद पाए लंका विश्वास के रघुराए तुलसीदास स्वामी कार्तिकाये आरती की जय हनुमान लला के आरती की जय हनुमान लला के दुष्ट दल नरघुनाथ कला के दुष्ट दल नरघुनाथ कला के आरती की जय हनुमान लला के सियावर प्रभु राम चंद्र के अंजलि पुत्र हनुमान के जो करे वीर बजरंगे सियावर प्रभु रामचंद्र के वो माता के प्राणियों में सद्भावना हो वो हत्या बंधो सियावर प्रभु रामचंद्र के अंजलि पुत्र हनुमान के लक्ष्मण भैया के सीता मैया के अंजलि पुत्र हनुमान के सियावर प्रभु रामचंद्र के आदि जगत आदि जगत गुरु सिद्धेश्वर महाराज के सिद्ध मल्लिकार्जुन महाराज के सिद्धानेश्वर महाराज के हमारे लिंबी चिंचोली गांव में इस बेहतरीन प्राण प्रतिष्ठापने के कार्यक्रम को जो है दो जगहों पर मनाया गया। सबसे पहले जो है हमारे गांव के भगवान दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर के सामने गांव के बेस में, और उसके बाद जो है ये दूसरा कार्यक्रम जो है लिंबी चिंचोली गांव के श्री महात्मा बसवेश्वर चौक में जो है मनाया जा रहा है। गाँव के हमारे बजरंग दल के अध्यक्ष जनक्रांति युवा बहुद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष विशुभाई जवळगे और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है यहाँ पर सभी तरुण मंडली जो है इंतज़ार कर रहे हैं हमारे प्रमुख पाहुणे नटराज जी नरोड़े का, जो हमारे गांव के माझी सरपंच हैं। और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है उनके आगमन के बाद, उनका स्वागत सत्कार करने के बाद जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके सभी आए हुए मेहमानों के हाथों से, सभी मान्यवरों के हाथों से जो है एक और बार दिवाली का कार्यक्रम जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्योंकि जब प्रभु श्री रामचंद्र, माँ सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास से वापस आए थे, जब वो बेहतरीन तरीके से रावण को हराकर वापस आए थे, तब उनका स्वागत करने के लिए जो है पूरे
अयोध्या को जो है दीपों से सजाया गया था और वहाँ पर जो है बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। और वहाँ पर सिर्फ 14 साल इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है 500 साल के इंतज़ार के बाद जो है प्रभु वापस लौट आए हैं और उनका सत्कार करने के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वापस से पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही है। पूरे हिंदुस्तान को जो है दियों से सजाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी मान्यवरों के हाथों से जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ये कार्यक्रम चल रहा है भाई लोग। और इसके बाद जो है बेहतरीन तरीके से पूजा अर्चना भी की जाएगी, जहाँ पर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का जो है महा आरती की जाएगी। हमारे गजानन शास्त्री जी भी जो है यहाँ पर मौजूद है, माशाले सर मौजूद है, माजी सरपंच नटराज जी नरोड़े मौजूद है, प्रगतिशील शेतकरी मौजूद हैं। सियावर प्रभु रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम जगद्गुरु प्रभु रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता माता की जय, अंजलि पुत्र हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, जय श्री राम। हरं वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटिसम प्रभं निर्विघ्नं कुरु मे दैवं सर्वकार्येषु सर्वदानहं। हरं गजाननं भूतघनाधिसेवितं कपितजम्बोबलसारक्षितं मम उमासुतं शोक विनाशकारणं मम नमामि विघ्नेश्वरं अवपादपङ्कजं मम सुन्नलिमठाधीशं देवदानो पूजितं त्रिकालार्जितलिङ्गं कैलासगगनं प्रदां नैलोक्यसम्पदालेख्यं समल्लेखन वित्तयं ॐ सच्चिदानन्दरूपायं शिवाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यामः सर्वलोकानां प्रभुं शास्त्रपारकः तां धर्मचारिणी शम्भो प्रणमामि परां सेवाम्। सह वीर्यं धरवामहे तेजस्विनावयतमस्तु माहि द्विषामहे। ॐ भद्रं धरणे विश्रुण्यामदेवाः भद्रं पक्षेमाक्षिभिरजत्राहं स्थिरे दुष्टभागं वसेम देवहितं जगायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृत्रश्रवाहं स्वस्ति न भूषं विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिहं स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुः। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। शिवावर प्रभु रामचंद्र के जय, अंजलि पुत्र हनुमान के जय, लक्ष्मण भैया के जय, सीता माता के जय, जो करे वीर बजरंग जो करे वीर बजरंग। राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिनाम। दुनिया चले न श्री राम के बिनाम। राम जी चले न हनुमान के बिनाम।
सीता हरण की कहानी सुनाम, सीता हरण की कहानी सुनाम, एक बार मेरे जुबानी सुनाम, एक बार मेरे जुबानी सुनाम, सीता मिले न श्री राम के बिनाम, पता चले न हनुमान के बिनाम, पता चले न हनुमान के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, लक्ष्मण का बचना मुश्किल काम, लक्ष्मण का बचना मुश्किल काम, कौन बुटलाने को काबिल काम, कौन बुटलाने को काबिल काम, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिनाम, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिनाम, बुटे मिले न हनुमान के बिनाम, बुटे मिले न हनुमान के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिनाम, रावण मरे न श्री राम के बिनाम, लंका जले न हनुमान के बिनाम, लंका जले न हनुमान के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, सिंहासन पे बैठे हैं श्री राम जी, सिंहासन पे बैठे हैं श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, मुक्ति मिले न श्री राम के बिनाम, मुक्ति मिले न श्री राम के बिनाम, भक्ति मिले न हनुमान के बिनाम, भक्ति मिले न हनुमान के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, दुनिया चले न श्री राम के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, राम जी चले न हनुमान के बिनाम, मृगहरा देवगे पुरारति बेलागिरे दारुण मृगहरा देवगे नीलकंदर निर्मलोचर बालचंद्रधर नगे ారతి దేవగేరిశూర షణ్ముఖేన్ శరణ జనకే వరవ నిందనో పరమ పార్వతి అరసగే ಕವದ ಮೂಲ ಸನ್ನಲನ್ ಕುಲದ ಸಿದ್ಧರಾಮಗೇನ್ ಪುರಾರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೃಗಹರ ದೇವಗೇನ್ ಪುರಾರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೃಗಹರ ದೇವಗೇನ್ ಹರಹರಂ ಕರ್ಪೂರವೀರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಮೃಗೇಂದ್ರಾರಂ ರಾಮಸಂತ ಮೃಗಾರಣ್ಯ ಭಗವಾನಿ ಸೈತನ್ಯವಾಣಿ ಕರ್ಪೂರ ದೀಪಂ ನಿರಾಜಿಯಾಮೇನ್ ಅರ್ಹಂ ಯತ್ನೇನ ಯತ್ನ ವದಂತ ದೇವಾಹಂ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಭಕ್ತಮಾನ್ಯಾಸನ್ನ ತೇಹನಾಕ ಮಹಿಮಾನಹಂ ಸಚಂದ್ರಾತ್ರ ಪೂರ್ವೇಂ ಸಾಧ್ಯಾಸಂತ ದೇವಾಹಂ ಗುರುದೇವ ಮಹಾದೇವ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ವಾಯುರ್ಕಾಯ ಸಂಪೃಕ್ತೋ ವಾಯುರ್ದೈ ಪರಮೈ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಶಿವ ಸಾಂಬಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಾರಮಾಣೇವಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸಕಲ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀಯಾವರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ ಅಂಜಲಿ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕೀ ಜಯ ಮಹಾಬಲಿ ಹನುಮಾನ ಕೀ ಜಯ ಜೋಕರ ವೀರ ಬಜರಂಗಿ ಜೋಕರ ವೀರ ಬಜರಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೈರಾಕ್ಯ ಸೀತಾ ಮಾತಾ ಕೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೀ ಅನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೀ ಅಧರ್ಮ ಕಾ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಮೇ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಬಂದ ಹೋ जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के वापसी का त्योहार बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली मनाकर मनाया गया, उसी प्रकार से जो है
पूरे हिंदुस्तान में जो है बेहतरीन तरीके से राम राज्य आए, यही जो है मेरी खुदा से दुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम हुए हैं, सभी लोगों ने मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाया है। राम राज्य का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की ऊंच नीचता ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी लोग जो है प्यार मोहब्बत से एकजुटता के साथ रहे, वसुदेव कुटुंबकम के इस बेहतरीन मंत्र को अपने हृदय में समा कर रहे, पूरे शांति के साथ रहे। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है लिंबी चिंचोली गांव में ये दिवाली का त्यौहार मनाया गया, जहां पर पूरा दीपों से जो है गांव को सजाया गया। बस मैं यही चाहता हूं कि राम राज्य वापस आए, जिसमें जो है किसी भी प्रकार का दंगा ना हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ एकजुटते के साथ जो है रहे, एक बड़ा परिवार बनकर रहे। हिंदुस्तान ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक बड़ा परिवार है, ये समझ कर रहे, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक जो है हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे, तब तक जो है राम राज्य वापस नहीं आएगा। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा है कि खुदा से दुआ कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान में राम राज्य वापस आए, जहां पर जो है किसी भी प्रकार की ऊंच नीचता ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठा रहें।